दोस्तों हमने गाड़ी लगा दी है और हम होटल के लिए निकल रहे हैं और आपको होटल पहुंच के बताते हैं हमने कितने का होटल लिया और कौन सा होटल है। नाम एड्रेस सब मेंशन कर देंगे अभी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख के जब भी आइएगा इसी होटल में रुकिएगा, जब बताते हैं आप देख सकते हैं मिल सकते हो तो हमारे दोस्तों से। एक कहाँ गया, एक पीछे आ रहा है, आराम से पीछे आ रहा है भाई। पार्किंग के यार 110 रुपये हमने लिए हैं भाई। अच्छा ऊपर ऊपर ही ठीक 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 है भैया, थैंक यू। चल रहे हैं भाई अभी गेस्ट हाउस में जा रहे हैं। ये अब पीछे मेरे पीछे पार्किंग है। आ जा इतनी जल्दी भाई, व्यू में मजा आ गया पूरा नैनीताल में। ये वाला सीजन सबसे बेस्ट है और बर्फ वगैरह के लिए तो आपको पता है मनाली से बढ़िया कुछ है ही। चलो भाई चलो भाई। होटल के लिए हम फिर से नीचे उतर गए। एक भैया ने बोला था कि 10 कदम दूरी पर ही है, वहाँ से हम ऊपर गए थे इस वाले पे, तो 10 कदम दूर नहीं था, कम से कम हम 500 मीटर ऊपर चढ़ गए थे। अब हम मतलब ये पार्किंग हमारी यही है पीछे, इसी के पास में आगे जाके यही पास में होटल है वहाँ पे। देखिए हमारा दोस्त एक पीछे ही रह गया है, आ रहा है वो आराम आराम से। क्या चार्ज है और जा रहे हैं भाई। अंकल ने हमारी बात नहीं मानी बिल्कुल भी। ये रहा, अरे कहाँ घूम रहा है, इधर देख लेते हैं पास में वही। ये रहा ना सामने, ये वाला ले लेंगे, ये ले लेगा। रूम तो उसका वैसे था अच्छा, 1400 वाला ही था। आज सैटरडे है ना इसलिए। मॉल रोड है क्या भैया ये? भाई यहाँ भी रूम खाली नहीं मिला हमको, एक जगह खाली था। करनी पड़ रही है रूम के लिए मेहनत करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा भाई। जल्दी देख लो, बहुत तगड़ा प्रेशर लग रहा है मेरे को। देखते हैं भाइयों, ये है, ये है दोनों है। अच्छा ये है और ये वाला ले लेते हैं। कौन सा? या ये वाला, कोई सा ले ले। कोई सा एक देख लो। ठीक है भैया, कोई नहीं है। अरे उधर वाला भी देख लेना, कभी कभी वो बाहर वाला, वो खिड़की वाला नहीं है कोई बाहर का है? खाली है यही ले, यही ले देते हैं, यही सही है। अरे वो दे रहा हूँ मैं तो उसमें सही। अरे मैं दे रहा हूँ, रूम ले लिया है हमने, बिल्कुल बढ़िया रूम देख लो हमने है। 1100 रुपए का मात्र रूम लिया है हमने यहाँ पे। और भी रूम थे मतलब सस्ते भी थे और थे, पर सबसे बढ़िया रूम है ये सुमन रेसिडेंस है, पार्किंग के पास ही है बिल्कुल चढ़ाई पे, बढ़िया रूम बिल्कुल। चलो भाई बाद में मिलते हैं, फ्रेश फ्रेश हो ले फिर उसके बाद जाएंगे हम नीचे, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। सो भाइयो गुड मॉर्निंग, सो रेडी हो चुके हैं हम, फ्रेश हो लिए, थोड़ा रेस्ट ले लिया। अब हम नई चल की क्या क्या जगह है वो तो आपको दिखाएंगे, कितनी जगह घूमने के लिए जाएंगे। एक राजभवन है यहाँ पे फेमस है, जू है और नंदा देवी टेम्पल है वो भी यहाँ पर अच्छा व्यू दिखा। और चलो देखते हैं आगे 3-4 जगह जाएंगे वहाँ पे, कितने का स्लिप वगैरह है, कितने का चार्जेज है, सारा वो हम आपको बताएंगे। रूम मिला था 1100 वो मैंने बता दिया था, ज़्यादा बोल नहीं। ठीक है चलो बस हो गया।
चलो ठीक है फिर बाहर मिलते हैं, बाय। नहा धो के भाई आ चुके हैं बाहर बिल्कुल। अभी हम पार्किंग में जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। जा रहे हो हमें? अरे बताया ना मैंने आपको सात जगह पुलिस। अच्छा हाँ, एक तो मंदिर हो गया, मंदिर को छोड़ा मंदिर से दर्शन करा माउसर बोल दो पंटो में बच्चे हो यार उठा, हम रोज ही अपने आराम कर ले यहाँ से ले जाके। अरे नहीं नहीं दो सात जगह आप ले जा रहे हो अपना, चलो ले लेना हजार रुपये। दुनिया भर की बात करते हम तो साथ बात करके लगा रहे हैं भैया, कस्टमर तो खराब है अगली बार आए तो हमें। भाइयों फिर गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, अभी हमने एक भैया से बात करी थी तो वो ये कह रहे थे कि 1000 रुपये में हमें 7 जगह घुमाएंगे, चलो अब देखते हैं कि वो 7 जगह क्या है गौरव। तो अभी पहले भैया कहाँ जा रहे हैं? हिमालय दर्शन और देव मंदिर। हिमालय दर्शन और देव भाई। अभी हम ऊपर आ चुके हैं, ये देव मंदिर है मेरे पीछे जो 150 साल से पुराना है, तो अभी इसके दर्शन करके फिर हम जाएंगे व्यू पॉइंट सुसाइड पॉइंट, डिसाइड करेंगे आपस में कि ट्रैकिंग करें ना करें, नैना देवी पीक की ट्रैकिंग है, चलो देखते हैं। तो अभी हमने दर्शन कर लिया है, अभी हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं फिर आगे का। देखो बोल बर्फ से ढका हुआ एक माउंटेन नजर आएगा, इसमें दो चोटियां साफ दिखाई देंगी, तीसरी बदल के साथ नजर आएगी, एक ऊपर एक बीच में और एक नीचे पर, एक घूम के। इंडिया का 10वां सबसे ऊंचा पहाड़ है भैया, पर्वत दिख रहा है, एक पहाड़ चोटी दिखी ऊपर ऊपर एक घूम के बीच में आई है। तेरी व्लॉग कर दे है? मजा आ गया तेरे को? अब आ गए हैं हम केव में नैनीताल की ठंडी गुफा जिसे कहते हैं। हाय गौरव बोल दे, दर्शकों को बोल दे। हम आ चुके हैं सुसाइड पॉइंट पे, तो आपको सपोर्ट दिखाते हैं तो भाई लवर है तो भाई सुसाइड करेगा, चलो जी चलो आओ। कहाँ है नीचे है भाई, चलो चलते हैं भाई सुसाइड पॉइंट पे। तो भाई यहाँ पे हम आ गए हैं नंदा देवी टेम्पल, दर्शन करके आ रहे हैं, दर्शन करके आपको दिखाते हैं। और हमारी तिब्बतन मार्केट हमारे पीछे है, यहाँ पे आपको कुछ खाने के लिए भी मिल सकता है लाइक चाइनीज़।
भाई लोग, हम नन्ना देवी टेम्पल के अंदर है इस टाइम, और ये रही नैनीताल की मैंगो लेक। टायर जम गए। अभी हम कुछ खाने के लिए आए हैं भाई लोग, रेस्टोरेंट देख रहे हैं कुछ। भाई तुम्हें हम ये जगह मैं दोबारा बता दूंगा व्लॉग करके अभी, क्योंकि ये सरकारी है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई बोट में हम बैठ चुके हैं, कैसा लग रहा है गौरव बोट में बैठ गए हैं? तो भाई हमने 210 रुपए दिए हैं, 210 में हम तीन जने, और करीबन 21-22 मिनट तक ये बोट चलेगी। मजा आ गया, तो भाई वापिस आ गए हम लोग। भाई भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो पार्किंग में ही हम लोगों ने एक भुजिया बना दी। ये नैनीताल की पार्किंग है नीचे वाली, ये देखिए, ये रहा हमारा असला बारूद अंदर। दर्शकों को सारी चल ठीक है, बंद कर गौरव कहाँ खाएगा, कहाँ पे खाएगा? भाई हमारी यहाँ पे फोटो खींच रही है, गौरव बताता क्यों नहीं है तू? इधर ही है माल रोड का मार्केट का नजारा, और हमने यहीं पर ही रूम ले रखा है अपना, ऊपर ही साइड में यहाँ पे। भाई शाम भर का रेस्ट लेने के बाद हम आ चुके हैं नाइट में, तो ये सिंपल सी नाइट है। रात भर में नैनीताल की सड़कों पे घूमने के बाद और ये लेक के पास हमें ओपन जिम मिल गया, और ये गौरव भाई साहब भी ओपन जिम मार रहे हैं, फुल फॉर्म में चेस्ट फट चुकी है, इनकी डिवाइस दिख चुका है।
भाई हमारा दोस्त कैचअप लेके आ चुका है और तकरीबन 20 किलोमीटर चलाने के बाद अब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो रहा है। मैंने शिमला मिर्च काट लिया है तो गौरव कह रहा है कि यार कुछ बनाते हैं सोयाबीन से, क्योंकि सोयाबीन हमने नैनीताल से ले ली थी। है चिली सोयाबीन बना रहा है भाई कुछ, क्योंकि सोयाबीन हमने नैनीताल से ले ली थी हमने। तो यार मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार मेरे को, बहुत ज़्यादा बनाते हैं अच्छे से। फाइनली गाइस हमने कुछ यूनिक सा बना लिया है पहाड़ों में और ये सब गौरव जी के बदौलत है। गौरव ये है क्या चीज बताओगे कुछ? तो हम हल्द्वानी में है अभी, नैनीताल से हम निकल चुके हैं हल्द्वानी में। दोस्तों फाइनली हम तो प्लकवा टोल पे पहुंच चुके हैं हापुड़ जो है। तो हम यहाँ से 20 किलोमीटर हमारा घर रह गया है, तो देख सकते हैं यहाँ का आप रश कितना है आज। फाइनली आ गए लोग,